अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर देश ही नहीं दुनिया के करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र होगा। ऐसे में इस मंदिर निर्माण में प्राकृतिक त्रासदियों से सुरक्षा से लेकर छोटी से छोटी सावधानी बरती जा रही है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की मिट्टी की जांच का काम IIT चेन्नई को सौंपा गया है, जिसने इस काम के लिए 200 फीट से भी ज्यादा गहरी खुदाई करके मिट्टी का सैंपल निकाला है। वहीं भूकंप का इस धरती पर कितना गहरा असर होगा, इसके आंकलन के लिए CBSE रुड़की और IIT चेन्नई के एक प्रोफेसर काम कर रहे हैं। अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर की उम्र 1000 साल होगी। इसी योजना के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है। परिसर होगा, बहुत अच्छा होगा, आध्यात्मिक होगा, आधुनिक नहीं, पर्यटन केंद्र नहीं होगा, वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पास 67 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। मंदिर के निर्माण का कार्य ट्रस्ट की ओर से LNT को सौंपा गया है। तकरीबन 3 एकड़ में बनने वाले इस मंदिर में 1200 खंभे होंगे। मंदिर के नीचे से जो खंभे आएंगे, उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट का बेस बनाकर मंदिर का निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर हो सकता है 170 या 180 190 कॉलम होंगे। मंदिर कितने सालों तक इसकी जो मिट्टी सॉइल टेस्टिंग और इसको लेकर 1000 साल आयु मंदिर की कम से कम होनी चाहिए, होगी। अयोध्या में अब तक जमीन का समतलीकरण हुआ है, इसी में ही वहाँ ऐसी कई चीजें निकल आई हैं जो देश के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इसी समतलीकरण के काम में अब तक कसौटी के पत्थर, काले रंग के पत्थर की एक चौखट जिसे आमलक कहा जाता है, वो मिला है। यही नहीं, वहाँ एक शिवलिंग भी मिला है जो पूर्णतः सुरक्षित है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा करने का भी अवसर देने की योजना बना रहा है, जिसके तहत लोगों से तांबे की प्लेट और रॉड दान में लेने की योजना बनाई गई है। इसके लिए बकायदा ट्रस्ट की ओर से रॉड और प्लेट का साइज भी बताया जाएगा। अपने बैंक अकाउंट बताएंगे, जनता अपना आर्थिक सहयोग उसमें डालेगी। ये एक प्रकार है सहयोग का। कुछ अन्य प्रकार है, उस पर चर्चाएं चल रही हैं। कॉपर की छड़ें, कॉपर की स्ट्रिप्स मांगी जाए तो अभी इट इज ऑल अंडर कंसिडरेशन। जब वो बात मैच्योर हो जाएगी तो जनता को बताई जाएगी। बहरहाल अयोध्या में बनने वाले इस राम मंदिर के लिए साफ हो गया है कि कम से कम 36 महीने से 40 महीने का समय निर्माण में लगेगा, लेकिन जब इसका निर्माण होगा तो उसमें व्यू कटर नहीं लगाया जाएगा, जिससे अयोध्या आने वाले सभी भक्त राम मंदिर का निर्माण कार्य आसानी से देख सकते हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़।